नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पत्रकार हत्याकांड को लेकर सीएम को ज्ञापन, पत्रकार एसोसिएशन ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रतापगढ़ के पत्रकार शलभ श्रीवास्तव के हत्यारोपियों को फांसी देने की मांग की है। मृतक के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद की भी मांग की है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मनीष दीक्षित का ऐलान, जब तक नहीं पूरी होगी मांग होता रहेगा विरोध। आज आप लोगों द्वारा एडीएम साहब को किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज के हमारे पत्रकार साथी सुलभ श्रीवास्तव जी की शराब माफियाओं द्वारा निर्मम हत्या की गई, जिसको प्रशासन द्वारा हादसा बताया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उन्होंने उसको हत्या में मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक हत्यारों गिरफ्तारी नहीं हुई। और दूसरी बात है, चूँकि शराब माफियाओं का मामला है, चूँकि ये दबंग टाइप के लोग होते हैं, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि इसकी पूरे प्रकरण की सीबीआई जाँच हो, जिससे निष्पक्षता सामने आए। और दूसरी बात, पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा, तथा साथ ही सबसे बड़ी जो मांग हमारी है कि पत्रकार अपनी खुले मन से अपना काम ही नहीं कर पा रहे, इसके लिए पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए प्रदेश में, जिससे पत्रकार अपने खुले मन से अपनी निष्पक्षता रूप से काम कर सके। शुभ नाम? मनीष दीक्षित, पत्रकार सहायता जिला एसोसिएशन के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। रामपुर में महिलाओं के रक्तदान शिविर का आगाज। रामपुर के इतिहास में पहली बार महिलाओं के रक्तदान शिविर का आगाज हुआ है। जी हां, वीर खालसा सेवा समिति द्वारा आज गुरुद्वारे में खासा तौर पर महिलाओं के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया, और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से रक्तदान करने की भी अपील की है। इस दौरान गुरुद्वारे में सभी धर्मों को महिलाओं का जमावड़ा था और सभी धर्मों की महिलाएं अपने अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि अब उनकी बारी आएगी और वह रक्तदान करेंगे। बहरहाल, इस रक्तदान शिविर का आगाज पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम और मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज ने किया, और उन्होंने इस कार्य की वीर खालसा सेवा समिति काफी सराहना की। आज स्पेशल लगाया गया है, स्पेशल फोर्सेस रामपुर में क्या गए और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव हर वर्ग हर उम्र की महिलाओं ने जिस रक्तदान शिविर में योगदान दिया है, जो कि बहुत ही एक अच्छा मैसेज जिले को भेजता है, और इनके इस सराहनीय प्रयास के जो है हम लोग काफ़ी प्रशंसित हैं। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं के लिए, जैसे चढ़ बढ़ कर महिलाओं ने आज रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया है, और क्या कहेंगे? संदेश यही है, देखिए रक्तदान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं कई बार जिसमें इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको बिना किसी मन में भ्रांति पाले और एक खुले रूप से रक्तदान हम लोग करें। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ पर जो है हर उम्र की महिलाओं ने इसमें आज कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो बहुत ही अच्छी इनकी पहल है। मैडम, वीर खालसा सेवा समिति समय समय पर गरीब लोगों की, हर समाज के तबके की मदद करती रहती है, तो उनके लिए क्या कुछ मदद करेंगे आपके जिला प्रशासन की ओर से? देखिए, रामपुर की अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे एनजीओज बहुत सोशल अलग अलग इनिशिएटिव्स में रहे हैं हमारे साथ, और इन सभी को मैं धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, और स्पेशली कोरोना में बहुत अच्छा इनिशिएटिव बहुत हमारी समितियाँ और हमारे एनजीओ लेते रहते हैं, और मेरी इनसे यही अपील है कि हम लोग जिला प्रशासन के साथ मिलजुल कर ये लोग आगे आएँ और हम लोग साथ में मिलकर अच्छे सोशल रिलेशन। ये गुरुद्वारा मेरे लिए भी की बात है, गुरुद्वारा बहुत बढ़िया।
ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।